मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेगी, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले में 2 साल से अधिक की सजा सुना दी जाती है तो सांसद नहीं रह पाएंगे। संविधान के जानकार सुभाष कश्यप की माने तो ये फैसला कोर्ट के चाबुक से नहीं भारतीय संसद की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन डर तो इस बात का है कि इस फैसले के खिलाफ ही हमारे नेता गोल मंदिर यानी गोल संसद के अंदर गोलबंद ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत चाही थी कि कोल ब्लॉक घोटाला मामले में जांच का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के साथ साझा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये हिदायत भी दी कि सीबीआई के कामकाज की निगरानी करना सीबीसी का अधिकार है, न कि केंद्र सरकार का। केंद्र का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे घोटाले से जुड़े तमाम अहम दस्तावेज अभी तक सीबीआई को नहीं सौंपे गए हैं। सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि कोयला आवंटन से जुड़ी समिति की बैठकों से जुड़े दस्तावेज अभी तक सीबीआई को नहीं सौंपे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कैसे कह सकती है कि उसे मुकदमा चलाने के लिए सरकार की इजाजत चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की स्वायत्तता और राजनीतिक दखलंदाजी के लिए कानून में संशोधन की जरूरत है और संसद को आखिरकार इस मामले में बहस कर केंद्र के सुझावों को लागू करना है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा दायर उस हलफनामे पर सुनवाई की, जिसमें सीबीआई की स्वायत्तता के लिए सरकार को कदम उठाने को कहा गया था। कोयला घोटाले की जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इस घोटाले में उंगलियां सीधी तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ भी उठ रही हैं। गौरतलब है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह करार दिया था और कहा था कि पिंजरे में बंद तोता उसी जुबान में बात करता है जैसी जुबान में बात करने के लिए उसका मालिक उसे कहता है। केंद्र सरकार के ऊपर सीबीआई के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की इससे कड़ी टिप्पणी तब कभी नहीं आई थी। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बोधगया पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद थे। शिंदे ने धमाकों को शर्मनाक बताया। गृहमंत्री शिंदे ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर सीआईएसएफ के तैनाती को लेकर अभी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि महाबोधि मंदिर में सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में जांच एजेंसियां बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। सरकार ने राज्य में एटीएस गठित करने का फैसला लिया है। कैबिनेट सचिव बृजेश मल्होत्रा ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 18 करोड़ 13 लाख की लागत से एटीएस गठित करने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस बेशक समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनकी बहू डिंपल यादव के खिलाफ लोकसभा में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर रही है, लेकिन इसके विपरीत समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी खड़ा करेगी या नहीं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि जल्दी ही इस मामले में पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बुलाकर फैसला किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री और रामपुर से विधायक आजम खां की वालिदा के निधन पर शोक व्यक्त करने रामपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभी मैनपुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने डिंपल यादव के खिलाफ भी अभी उम्मीदवार नहीं उतारा है। केंद्र की मौजूदा यूपीए सरकार को समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने और अपनी बहू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की कांग्रेस की घोषणा पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस को अपना काम करने दीजिए, हम अपना निर्णय पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में करेंगे। समाजवादी पार्टी को अभी इस मामले में कोई जल्दी नहीं है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर बांदा आए प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने बांदा बाईपास, तटबंध और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। शिवपाल यादव लखनऊ से आए आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री शिवपाल यादव ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के 21 अफसरों को निलंबित कर दिया। साथ ही फतेहपुर और चित्रकूट के उप परियोजना प्रबंधक को कार में लापरवाही बरतने और धन के दुरुपयोग करने के मामले में निलंबित कर दिया। एक बार फिर यूपी की ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार के आरोपों में है।
आईएएस अधिकारी ओएन सिंह पर उन्हीं के मातहत में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। मामला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का है। हालांकि इस मसले पर आईएएस अधिकारी ओएन सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि सुभाष चंद्रा के खिलाफ पहले भी कई मामलों में शिकायत मिल चुकी है और इसीलिए उन्हें निलंबित भी किया गया है और आगे उनके खिलाफ जांच भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर चर्चा में है। कभी सरकार में रहने वाले मंत्रियों की बात ना सुनने को लेकर तो कभी भ्रष्टाचार के कई आरोपों में अफसरों के जेल जाने से लेकर ये ब्यूरोक्रेट हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर आईएएस अफसर रिश्वत मांगने के आरोप में चर्चा में है। मामला उत्तर प्रदेश के खाद्य और प्रसंस्करण विभाग का है। दरअसल विभाग में ही जनपद अलीगढ़ में तैनात प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी ने अपने विभाग के आईएएस अफसर ओएन सिंह पर 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। प्रभारी उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र ने अपने विभाग के निदेशक और आईएएस अफसर ओएन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें कई दिनों से निदेशक साहब के यहाँ से फोन आ रहे थे कि सुभाष चंद्र उनसे आकर मिले। जब सुभाष चंद्र वहाँ उनसे मिलने पहुँचे तो उनसे कहा गया कि निदेशक साहब को 2 लाख रुपए दे दो, सभी दे रहे हैं, सिर्फ तू ही नहीं देता है। लेकिन जब सुभाष चंद्र ने रुपए देने में असमर्थता जाहिर की तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। सुभाष चंद्र ने अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भी लिखा है और कहा है कि आईएएस अफसर ओएन सिंह लगातार उन पर अवैध धन उगाही का दबाव बना रहे हैं और खामियाजा भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। ओएन सिंह ने कहा है कि सुभाष चंद्र पहले भी 2 बार निलंबित हो चुके हैं और उन पर कई बार शिकायतें मिली हैं। यही नहीं, शासन से भी कंप्लेन मिल चुकी है। बहरहाल आईएएस अधिकारी ओएन सिंह का मामला कोई नई बात नहीं है। पहले भी विभाग में टेंडर को लेकर मंत्री और अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा चुके हैं। ओएन सिंह के मामले में गाज सुभाष चंद्र पर गिरी है, जांच भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मसले ने तानाशाह ब्यूरोक्रेट के एक और रवैये को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। सूत्रों का दावा ये भी है कि इस मसले में कई और जिला उद्यान अधिकारी सामने आ सकते हैं जिन पर अवैध उगाही के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रदेश भर के कोऑर्डिनेटरों के अलावा बीएसपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। ऐसे में खुद पार्टी की चुनावी कमान बसपा सुप्रीमो के हाथ में है, लिहाजा लोकसभा चुनाव के आहट से पहले ही पार्टी संगठन और प्रत्याशियों को लेकर आज प्रदेश भर के जिला और मंडल कोऑर्डिनेटरों की बैठक बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर में ली। घंटों चली इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के मूल संगठन और भाईचारा कमेटियों के कामकाज की समीक्षा की। साथ ही प्रदेश भर में पहले चरण के खत्म हुए ब्राह्मण सम्मेलनों की भी समीक्षा की गई। हालांकि पहले चरण के समाप्त हुए ब्राह्मण सम्मेलनों की सफलता से बसपा सुप्रीमो गदगद जरूर नजर आई और घोषित हो चुके पार्टी के प्रत्याशियों के कामकाज पर और जहां पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं वहां नामों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो ने साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी तरह की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं और पार्टी नेताओं को भी ताकीद किया कि विधानसभा चुनाव की हार को भूलकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट जाएं। हालांकि सूत्रों की माने तो समीक्षा बैठक के दौरान कुछ नेताओं के बसपा सुप्रीमो ने पेच भी कसे और उनके कामकाज पर नाराजगी जताई। पहले ब्राह्मण महासम्मेलन, उसके बाद से समीक्षा बैठक। बीएसपी की ताबड़तोड़ हो रही तैयारियों को देखते हुए साफ हो गया है कि बहन जी हर हाल में दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहती हैं। आगरा के थाना मंटोला में आगरा के उत्तरी विधानसभा के भाजपा के विधायक जगन प्रसाद के खिलाफ डकैती में मुकदमा दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है आगरा के एम मनकामेश्वर के महंत और विधायक जगन प्रसाद गर्ग के बीच किसी जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चला आ रहा था। आगरा में भाजपा विधायक जगन प्रसाद गर्ग के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश से थाना मंटोला में धारा 395 दर्ज किया गया है। डकैती के मुकदमे में विधायक के साथ रामलीला कमेटी के साथ अन्य लोग भी शामिल हैं। दरअसल रामलीला कमेटी और मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन के बीच विवाद चला आ रहा है। इस विवाद के चलते एंटी डकैती कोर्ट ने विधायक जगन गर्ग समेत 8 लोगों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना मंटोला को दिए। इस मुकदमे में बाती मनकामेश्वर मानती के महंत हरियरपुरी हैं। पूर्वी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और मंदिर महंतों पर मानहानि के दावा करने की भी बात कही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। पुलिस भी इस मामले में बड़ा फूंक कर इस कदर पैर रख रही है क्योंकि दोनों ओर शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आगरा के मनकामेश्वर मंदिर के महंत ने यह मुकदमा कोर्ट के आदेशों पर दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है लेकिन सच्चाई कितनी है इसकी जांच में पुलिस जुट गई है।
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रथम दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उप ड्रेस पहने हुए ये हैं आईआईटी बीएचयू के छात्र जिनको आज उपाधि प्रदान की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुछ न कुछ नया इतिहास अवश्य बनाता है। इसी इतिहास को बनाने के लिए आईआईटी बीएचयू का ये पहला दीक्षांत समारोह हुआ। इस दीक्षांत समारोह में छात्र कुर्ता पैजामा और छात्राएं साड़ी में दिखी, जो इस बात को सिद्ध करता है कि भले ही ये आईआईटी के छात्र हों लेकिन इनके अंदर भारतीय परंपरा निहित है। 20 मेधावी छात्र और छात्राओं को गोल्ड मेडल पहनाकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके हौसले को किया बुलंद। उत्तराखंड में आपदा में बड़ी संख्या में लोग राहत के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोब सांग सांगे ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बघुना से मुलाकात की। तिब्बत की निर्वासित सरकार की तरफ से उनके प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 6 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री विजय बघुना को सौंपी। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांगे ने साफ कहा कि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ आए हैं और धर्म गुरु ने इस आपदा में उत्तराखंड में हुई क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके अनुसार जो लोग मारे गए हैं उनके लिए प्रार्थना भी की जा रही है। वहीं बौद्ध गया में हुए बम विस्फोट पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बौद्ध संप्रदाय शांति और सौहार्द का धर्म है, ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना निंदनीय है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी का कहना है कि हालिया जल प्रलय की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि ये कारण पता लगना चाहिए कि आखिर क्यों सूबे का आपदा प्रबंधन तंत्र फेल रहा। खंडूरी का कहना है कि अगर वक्त रहते इंतजाम कर लिए होते तो जान और माल का नुकसान कम हो सकता था। उत्तराखंड में आए जल प्रलय की जांच की मांग उठी है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी का कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। खंडूरी का कहना है कि आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से फेल रहा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ इसका पता लगना चाहिए। बकौल खंडूरी मौसम विभाग ने राज्य सरकार को चेतावनी दी लेकिन बावजूद इसके आखिर क्यों आपदा प्रबंधन तंत्र फेल रहा। खंडूरी का कहना है कि अगर वक्त रहते इंतजाम किए गए होते तो शायद जान और माल का नुकसान कम हो सकता था। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में आई हालिया जल प्रलय से हजारों की तादाद में लोग मरे हैं और हजारों की तादाद में लोग गायब हुए हैं। अगर वक्त रहते इंतजाम किए गए होते तो शायद नुकसान कम हो सकता था। ऐसे में अगर जांच की मांग उठी है तो उस पर विचार होना चाहिए। मौसम की मार झेल रही उत्तराखंड की जनता को इस बार मौसम विभाग की भविष्यवाणी में राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मध्यम दर्जे की बरसात होगी और किसी भी तरीके से अब आपदा का कोई बड़ा खतरा प्रदेश को नहीं है। सूबे के मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश में आपदा का अब कोई खतरा नहीं है। मौसम विभाग का कहना है क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है जिसके चलते प्रदेश में अच्छी खासी बरसात हो सकती है। कई क्षेत्रों में साधारण वर्षा होगी तो कहीं कई जिलों में मध्यम दर्जे की वर्षा भी रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल किसी भी तरीके की भारी वर्षा के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि जो भी लोग नैनीताल हरिद्वार ऋषिकेश और मसूरी को आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं क्योंकि प्रदेश का जो मौसम है वो पर्यटन के अनुकूल है। उनका ये भी कहना है कि प्रदेश में अब किसी भी तरीके से भारी बरसात दर्ज नहीं होगी। उनका ये कहना है कि मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है और अगले कुछ दिनों में प्रदेश का मौसम और बेहतर हो सकता है जिससे बचाव और राहत कार्य जो हैं वो और तेजी से हो सकेंगे। उत्तराखंड में बारिश का कहर ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात भारी बारिश के चलते पोखरी क्षेत्र के भिकोणा गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि पोखरी क्षेत्र में देर रात भारी बारिश के चलते भिकोणा गांव का एक घर मलबे की चपेट में आ गया था जिससे परिवार के 7 सदस्य मलबे में दफन हो गए जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पुलिस को 10 घंटे तक भारी मशक्कत करनी पड़ी और एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत होने से पूरा क्षेत्र सदमे में है। वहीं बारिश की हर बूंद से लोग सहम जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन ने आपदा में जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को 3-3 लाख रुपए आपदा मानक के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही है। पोखरी तहसील के भिकोना गांव के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत से पूरा क्षेत्र जहां सदमे में है वहीं बारिश की हर एक बूंद से लोग सहम जा रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से संवेदनशील जगह पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना प्रवेश परीक्षा के परीक्षा देंगे आईआईटी के परीक्षार्थी, अब इसको सरकार की लापरवाही कहें या शिक्षा माफिया का खेल कि 94,000 ये अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। व्यावसायिक परीक्षा परिषद के अधीन होने वाली आईआईटी की परीक्षा में बड़ी धांधली की संभावनाएं सामने आई हैं और ये तब है जब 11 जुलाई को शुरू होने वाली इन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र अभी तक 94,000 छात्रों को नहीं मिला। सबसे पहले इन परीक्षार्थियों को वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की बात कही गई, लेकिन
जिस कंपनी को प्रवेश पत्र स्कैन करके वेबसाइट पे लोड करने का ठेका दिया था उसने वेबसाइट पर ये प्रवेश पत्र लोड ही नहीं किए। उसके बाद परीक्षा परिषद ने विद्यार्थियों से 300 रुपए लेने के बाद प्रवेश पत्र को प्रिंट करा के उनको देने की घोषणा की, लेकिन किसी कारणवश ये प्रवेश पत्र भी प्रिंट नहीं हो पाए। और अब मामला ये है कि पूरे 94,000 परीक्षार्थी बिना फोटो आईडी के प्रवेश परीक्षा देंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि वो कुछ घंटों में 94,000 प्रवेश पत्र स्कैन करके वेबसाइट पर लोड कर देंगे, लेकिन आपको बता दें कि 7 महीने का समय लेने के बाद भी एजेंसी प्रवेश पत्रों को स्कैन करके वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर पाई है। घर में घुसकर अफसरशाही दिखाने वाला फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर उस समय धर लिया गया जब शक होने पर पुलिस को बुलाया गया और पूछताछ की गई। फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर रामनगर मोहल्ला गुलरघट्टी निवासी मोहम्मद रईस के घर पर जा धमका और अफसरशाही दिखाते हुए मकान मालिक से कहने लगा, आपको घर खाली करना पड़ेगा। यह